अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं खोया मिल्क, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है। घर में जो चीज़ें अवेलेबल होती है उससे ही ये बनाऊंगी मैं, और झटपट सा बन जाता है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप तमाम लोगों को इस्लामी नया साल मुबारक हो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खोया मिल्क बनाने के लिए मैंने एक पैन ले ली, आप कोई भी बर्तन ले लेंगे, और इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 लीटर दूध। मैंने फुल फैट दूध लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसमें मैं अब बॉयल आने दूंगी। दूध में बॉयल आ जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून बढ़ा सकते हैं। और इसको करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद लो फ्लेम पर इसे मैं थोड़ी देर पकने दूंगी ताकि दूध जो है वो हल्का सा गाढ़ा हो जाए। तो इसमें मैंने शक्कर और इलायची पाउडर डाल दी थी, 5 मिनट दूध को मैंने पकने दिया है। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालें वरना ना डालें। ज़ाफ़रान है, 4 से 5 रेशे आप डाल सकते हैं इसमें। और इसको करूँगी मिक्स और 5 मिनट और पकने दूँगी इसको मैं। तो दूध अच्छी तरह से पक चुका है, और इसके बाद अब मैं डालूँगी खोया। ये इंस्टेंट अभी मैंने बनाया इसे, मैं इसकी रेसिपी आपको बहुत जल्द दूँगी। तो ये 2 टेबल स्पून आपको डालना है, तो ये 2 टेबल स्पून है, मैं डाल रही हूँ इसको। और इसमें मैं डाल दूंगी वाइट रोज़ एसेंस, 2 ड्रॉप ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इसके मैं 2 ड्रॉप डालूंगी। और काजू बादाम, ड्राई फ्रूट में आप जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू और बादाम डाल रही हूँ, पिस्ता भी आप डाल सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैं ये डाल रही हूँ। खोया मिल्क है तो इसमें ये सब ज़रूरी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में अपने बच्चों को बनाकर इसे ज़रूर दीजिए। तो इसे मैं थोड़ी देर और पकने दूंगी ताकि जो ये खोया नज़र आ रहा है बिल्कुल गायब हो जाए। खोया मिल्क रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थिक भी हो गया है। तो मैं फ्लेम को कर रही हूँ बंद, और इसे मैं करूँगी डिश आउट, थोड़ा सा इसे ठंडा करके फिर मैं इसे डिश आउट करूँगी। खोया मिल्क रेडी हो चुका है, मैंने इसे ठंडा कर लिया है, और ठंडा करके इसे मैंने ग्लास में निकाल लिया है। तो नया साल हमारा शुरू हो चुका है, तो हर बार आप लोग शरबत बनाते हैं दूध का, तो इस बार इस तरह का कुछ नया ट्राई कीजिए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।